Hey everyone, I'm Vasundhara Sinha and welcome back to my channel. तो आज के वीडियो में हम करने वाले ये होली एप्रोप्रिएट मेकअप लुक. तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आईज पे हमने कंसेंट्रेट किया है एंड कुछ भी और नहीं. मतलब बहुत ईजी है, आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा. तो या मैं ज्यादा बकबक करके इंट्रो को लॉन्ग नहीं करूंगी. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माय फेस एंड नाउ आई एम गोना यूज अ सनस्क्रीन जस्ट बिकॉज इट्स अ डे टाइम मेकअप लुक एंड यू नीड अ सनब्लॉक. सो दिस इज न्यूट्रोजीना का सनस्क्रीन एंड इसको लेके पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लिया. नेक्स्ट टाइम गोना यूज़ ए मॉइस्चराइजर. इसको अप्लाई करने के बाद मैं 5 मिनट दूंगी एंड ताकि सब कुछ स्किन पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए. नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2 फाउंडेशन को मिक्स किया है, मेबलिन का सुपर स्टे एंड मेबलिन का फिट मी. प्लीज़ इग्नोर माई एक्सप्रेशंस. तो फर्स्ट ब्रश से ब्लेंड किया है, डोंट फॉरगेट योर नेक. नेक्स्ट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है. सो नाउअडेज मैं ये करती हूँ, फर्स्ट ब्रश से ब्लेंड करती हूँ देन ब्यूटी ब्लेंडर से. इससे क्या होता है, ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा प्रोडक्ट सोक नहीं करता, सिर्फ जितना एक्सेस प्रोडक्ट है वही सोक करता है. नेक्स्ट फॉर कंसीलर मैंने बहुत दिनों के बाद स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है एंड कंसीलर मैं सिर्फ ब्रश से ही ब्लेंड करती हूँ. नाउ टू सेट माय कंसीलर मैंने यहाँ पे मेबलिन का लूज पाउडर लिया है एंड इसको भी ब्रश से ही अप्लाई किया है. ओके, अब बारी है आई मेकअप की. तो यहाँ पे मैंने स्टेक वर्की का काजल लिया है एंड आई लिड पे अप्लाई किया है. ओ माई गॉड गाइस, यू वोंट बिलीव, इससे पहले मैंने दूसरे प्रोडक्ट से सेम आई मेकअप किया था एंड हाफ वे जाके मुझे उसको रिमूव करना पड़ा बिकॉज जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था इतना गंदा ब्लेंड ही नहीं हो रहा था. एनीवे, नेक्स्ट एक ब्रश से काजल के एजेस को स्मच किया. आई मस्ट से दिस इज़ अ वेरी गुड काजल. अफोर्डेबल है या नहीं वो पता नहीं है क्योंकि ये मुझे फ्री में मिला था. ख़त्म हो जाने के बाद मैं खुद अपने पैसों से इसको खरीदूँगी. नेक्स्ट इस ड्यूप हुडा ब्यूटी के पैलेट से इस ब्राउन कलर को लेके काजल को सेट कर लिया. नाउ एक फ्लफी आई शेडो ब्रश लिया है एंड आई शेडो सेम ही है. नाउ इसको धीरे धीरे बिल्ड करूंगी ताकि डार्क लगे. ब्लैक नहीं लिया मैंने क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाता जो कि मुझे नहीं चाहिए था. नाउ सेम काजल को लेके इस बार सिर्फ लैश लाइन के ऊपर एज अ आई लाइनर अप्लाई करूंगी बट लाइन थोड़ा सा थिक होगा. नाउ हर्श एजेस को ब्रश से अगेन ब्लेंड कर दिया. ओके, नेक्स्ट मार्स के आई शेडो पैलेट से इस कलर को लेके क्रीज पे अप्लाई करूंगी. आई थिंक ये सबसे पहले करना चाहिए था बट मी बीइंग मी हर वक्त उल्टे काम ही करती हूँ. इसको भी जितना मुझे चाहिए था उसके अकॉर्डिंग बिल्ड किया. ये ना डार्क हुआ था बट कैमरा पे समझ में ही नहीं आ रहा है. नेक्स्ट एक कॉटन बॉल से जो भी फॉल आउट हुआ है उसको क्लीन कर लिया एंड देन सेम मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबलिन फिट मी कंसीलर लिया है एंड उसको अंडर आइज पे एक ब्रश से अप्लाई किया है. इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया है एंड सेम पाउडर से सेट भी किया है.
नेक्स्ट मैंने आज एक ब्रश से आईब्रो को ड्रॉ किया है, थोड़ा प्रोडक्ट इसमें था तो सोचा कि इसको ही यूज कर लेती हूँ। नाउ वेट एंड वाइल्ड का क्लियर मस्कारा से आईब्रोज को सेट कर लिया है। आई वॉज जस्ट वाइबिंग टू द बैकग्राउंड सॉन्ग, बहुत सही गाना था यार। चलो 2 सेकंड सुनाती हूँ। ओके, नेक्स्ट सेम काजल को मैंने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई किया है एंड थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई किया है। बेसिकली वो जो स्मजी आई लुक होता है ना, वो करने की कोशिश की है। सो इस टाइप का एक ब्रश लेके इस आई शेडो से काजल को स्मज किया एंड साथ साथ सेट भी हो गया। तो उस ब्रश से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो आई चेंज्ड इट एंड एक पेंसिल ब्रश लिया है एंड उससे बाकी काम किया। नेक्स्ट बहुत हल्का सा फॉल आउट हुआ था आई शेडो का, तो एक फ्लफी ब्रश में लूज पाउडर लेके डस्ट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट कर्ल्ड माई आई लैशेस एंड पुट ऑन सम मस्कारा। ये तो लास्ट स्टेप फुल आई लुक को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। नेक्स्ट लोअर लैशेस के लिए यहाँ पे मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा यूज किया है क्योंकि लॉरियल का वॉन्ट से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कॉन्ट्योर के लिए मैंने ये NYBA का कॉन्ट्योर स्टिक लिया है एंड चीक बोन्स, जॉ लाइन, फोरहेड एंड नोज को कॉन्ट्योर कर लिया, ऑल्दो नोज कॉन्ट्योर मेरे से नहीं होता है। ब्रश के लिए यहाँ पे मेबलिन का क्रियोन लिपस्टिक लिया है, उसको पहले हाथ पे लगाया देन वहां से लेके फिंगर से अप्लाई किया। नेक्स्ट आफ्टर लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स फाइनली एक लिपस्टिक पसंद आया, नायका का मद्रास का भी लगाया एंड उसके ऊपर NYBA शक्तिमोहन का एक लिपस्टिक, शेड याद नहीं है मुझे। नेक्स्ट स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर से मेकअप को सेट कर लिया। चलो फाइनली लिपस्टिक अच्छा लगा। फाइनली लास्ट स्टेप, हाइलाइटर के लिए मैंने नायका का स्ट्रोक ग्लू हाइलाइटर लिया है। So yeah, that's all about today's video. I really hope you enjoyed this and also found something useful in this video. Agar video acha lage then like kar dena, comment kar dena, share kar dena, subscribe kar dena and Bengali content ke liye interested ho to mera Bengali channel bhi hai, jao jaake thoda sa dekh lo and is channel pe main shorts dalti hu. Agar wo nahi dekha hai to wo bhi thoda check back kar lo. Also follow me on my Instagram. So yeah, that's all for today. I'll see you guys in my next video very soon. Till then stay happy, stay positive. Bye.